ठीक है फिर मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आपके सामने ले आऊंगा शादी करके सीधे। कूली नंबर वन, मैं कूली। ये राम भाई, सुमित खुद का ध्यान रखा कर, क्या है ये? मैं तेरा हीरो नंबर वन। चलो ठीक है, पपीता काट देना, आम काट देना, केला रहने दो। चलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका नए व्लॉग में। मेरे रूम में एसी चलता है, कोई गर्मी नहीं, आ जाओ देखो इतना अच्छा यहाँ पे माहौल हो रखा है, पर्दे वर्दे लगे हैं, एसी चल रहा है, बैठो। आप पता है क्या, एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये गाड़ी की जो डिक्की है बहुत बड़ी है, इसके जो सीटें हैं उसको गिरा के उसमें जो साइकिल मिली है ना कल को रख के हम कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पे अच्छे से मैं 1-1.5 घंटा साइकिलिंग कर सकूं, क्योंकि यहाँ हाईवे पे तो बहुत बुरा हाल है। आज पता नहीं मम्मी ने चाय इतनी अच्छी कैसे बना दी। वीडियो बना रहा था ना, इतनी अच्छी चाय बनी, इतनी टेस्टी चाय बनी, क्या बताऊं। हमेशा मेरी चाय बहुत अच्छी बनती है, चाय मजाक कर, इन्हीं से मैंने भी बनाना सीखा है। मम्मी कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य बता रही है, सुनो, बताओ बताओ। पहले लड़की देखने आते थे, चाय देने आती थी, नाश्ता देने आती थी, तो वो खुद बनाए रहती थी, बस अच्छी बनी इस पे ही तय हो जाता था। हाँ भाई है, कह रही है लड़कियों का जो रिश्ता होता था ना पहले के समय में, लड़की चाय कितना अच्छा बना ले रही है उस पे रिश्ता तय हो जाया करता था। आपको बना ले रही कि नहीं, आपको ऐसे ही लाएंगे पापा? पापा तो आए भी नहीं थे, बोले ये मैं रिस्क ले रहा हूँ, लॉटरी जैसे खुलेगी। आपको रिस्क बोल दिया। रिस्क लिया ये कि देखने के बाद भी खराब निकल गई तो क्या करोगे, वापस करोगे क्या? जो आजकल ये चल रहे हैं, मतलब इतना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मैंने लास्ट में बस होना अलग ही है, क्योंकि कोई अरे सब अनजान, वो परिवार दूसरा, ये परिवार दूसरा है। मम्मी जज कर रही है, करना पड़ता है, मैनेज तो करना पड़ता है, दोनों के अपने प्लस माइनस है, पहले वाला भी और अभी वाला भी। तो ठीक है फिर मैं भी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, आपके सामने ले आऊंगा शादी करके सीधे। ले आओ, भुगतना तुमको है। अरे तो क्या, अरे तो हर बार गलत थोड़ी होता है, क्या पता अच्छा भी हो जाए। भुगतना तुमको है तो सिर्फ ये मैं पता क्या सोच रहा हूँ, अभी मैं पिछले 6-7 हफ्ते से सोच रहा हूँ कि सब टंटा छोड़ो, मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी सीधे अरेंज मैरिज करवाओ, ठीक है, और कुछ होगा अगर लड़ाइयाँ होती हैं हम दोनों के बीच में अरेंज मैरिज करो, तो मैं मम्मी को बोल दूंगा मम्मी आप ही तो ढूंढ के लाई हो, आप तो अच्छी ला सकती थी ना, आप मेरे को जो बचपन से बोलती आ रही हो तुम्हारी जब वाइफें आएंगी तो तुम्हारा भी दिमाग खराब रहेगा, ये होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो मैं मम्मी के ऊपर डाल दूंगा फिर। क्यों? पापा ने भी इसलिए नहीं देखने आए, बोले जिससे माई जिम्मेदार हो वही देखी। लेकिन आप रिस्क में निकली हुई जो पुड़िया, आप एकदम बहुत अच्छी निकल गई। अच्छे निकल गए, और हमारा सब सारे जितने मतलब होते हैं जीवन के सारे लक्ष्य हमारे जो थे पूरे हो, मतलब लक्ष्य तो पूरे हो गए, पूरे हो गए। चलो बिना समय गवाए चाय पी के हम चलते हैं कार्डियो पे। एक भाई ने पूछा है मसल क्रैम्प अगर आ जाए तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। भाई बहुत बढ़िया सवाल है, और अभी जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, इसमें ये मसल क्रैम्प होना बहुत आम सी बात है, एकदम से नस चढ़ जाती है, ऐसा लगता है अरे भाई एकदम से जान निकलने जैसी हो जाती है, ऐसा होता है ड्यूरिंग वर्कआउट। इसके पीछे के जो रीजंस हैं सिंपल सा है, हो सकता है डिहाइड्रेशन, नींद पूरी ना हो पाना, प्रॉपर वार्म अप ना करना वर्कआउट से पहले, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लंबी लंबी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, सिर्फ वार्म अप सेट ले लो वही मोर देन इनफ है। इसके ऊपर तो काफ़ी कचरा गिर चुका है, एक बार में ही निकल जाएगा क्योंकि इस पर PPF हो चुका है। जब गाड़ी पे PPF हो जाता है ना तो गाड़ी साफ करना बहुत आसान हो जाता है। उसके अलावा एक चीज़ और, इलेक्ट्रोलाइट्स का हिल जाना, ऊपर नीचे होना, इम्बैलेंस हो जाना, गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप बहुत लंबा वर्कआउट करते हो, और ऑब्वियसली अगर आप वर्कआउट क्या 45-50 मिनट का भी वर्कआउट कर रहे हो और अगर पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस केस में भी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत भारी मात्रा में डिप्लीट होते हैं, इसीलिए मैं आइसोटोनिक ड्रिंक पीता हूँ ताकि ये चीज़ें ना हो, और इसीलिए बहुत रफ्तार से वज़न में भी आपको गिराव दिखता है, आपकी बहुत स्पीड से वज़न भी गर्मियों में कम होता है। तो अगर आप समर बल्क पे हो जैसे मैं हूँ तो उस केस में मेक श्योर आप नींद अच्छी लो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो, इलेक्ट्रोलाइट सही रहे, और क्रिएटिन भी ऐड आप कर सकते हो। भाई साहब ने ट्रैक्टर ला के टिका दिया, अब गाड़ी रिवर्स में निकालनी पड़ेगी।
कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब, कहीं से भी चढ़ जाएगी, कहीं से भी उतर जाएगी, कहीं से भी निकल जाएगी। ये एक कारण है सेडान ना लेने का। सेडान को इस तरीके से कहीं पे भी नहीं ले जा सकते हो। देखो ये जैसे इधर गड्ढे हैं, पत्थर हैं, दगड़ हैं, सारी चीजें आ रही हैं। सेडान क्लास में ये चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत बचा बचा के, बहुत बच बच के, बहुत दब दब के चलना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है उसको ना लेने का। नो डाउट सेडान क्लास की रोड प्रेजेंस अच्छी लगती है। अरे यार कुछ तो आ रहा है, लेकिन अब हम हाथी में बैठे हैं, हमने जम्बो सी चीज ले ली है, चंकी सी स्टेयरिंग है, मोटी सी चीज है, बड़ा रोड प्रेजेंस है, ये बढ़िया है। आपको सेडान क्लास अच्छी लगती है क्या बताओ कमेंट में, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। मेरे एक भाई ने और सवाल पूछा है, वो सवाल है कि जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है उसको एक ही दिन में ट्रेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि बाइसेप अलग मसल है, ट्राइसेप अलग काम करता है, दोनों की फंक्शनिंग अलग है, तो एक ही दिन में ट्रेन करना इज टोटली फाइन या फिर नहीं। इस बात को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपके किसी से लड़ाई हुई है, आपने उसको पकड़ के खींचा, उसका गला पकड़ के पुल किया अपनी तरफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राइसेप्स इंगेज हो रहा है। उसी लड़ाई में आपको एकदम से काम आ गया कि धक्का देके इसको गिराना है, आपने उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या इंगेज हो रहा है आपका, यहाँ पे ट्राइसेप्स इंगेज हो रहा है। सिर्फ ट्राइसेप्स नहीं, दूसरे मसल्स भी हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप क्या उसको बोलोगे कि नहीं 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 आज तो मैं सिर्फ पुल करूंगा जिससे मेरा बाइसेप्स इंगेज हो, तो सिर्फ आज मैं तेरा गला पकड़ के खींचने का काम करूंगा, धक्का कल दूंगा आगे, ऐसा होगा क्या? तो जब ये रियल लाइफ में इम्प्रैक्टिकल सा लग रहा है, तो जब हम जिम जाते हैं तो ऐसे सवाल क्यों आते हैं हमारे मन में कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को सेम डे ट्रेन करेंगे तो कोई नुकसान है क्या? कोई नुकसान नहीं है, किसी भी मसल को किसी के भी साथ आप पेयर करके ट्रेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के लिए अलग दिन निकालने के बजाय आप बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को बाइसेप्स को बैक डे में और ट्राइसेप्स को पुश डे में ट्रेन करो, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। पीछे की साइड बहुत तेज धूप है, लेकिन यहाँ पे जहाँ छाँव है इतना अच्छा मौसम हो रहा है और एकदम अच्छी अच्छी हवा चल रही है। आज मैं थोड़ा सा लेट हूँ संडे, इस कारण से आलस कर गया मैं। 8:44 हो रहे हैं और तब भी बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत बहुत सही हो रहा है यहाँ पे मौसम, बस धूप में अगर आप नहीं जाते हो तो। दादा चाबी देना सत्यम की गाड़ी की, पेंट का डब्बा निकालना है, साफ कर रहे हैं। अच्छा रुको दे, अच्छा वही है, चलो मैंने वहीं चले जाता हूँ। इसके पास आओ चाबी लेके, तो ये अपने आप तैयार हो जाती है। पेंट का डब्बा कहाँ है? पेंट का डब्बा कहाँ है, अंदर है क्या? हाँ इधर है, इधर है, लाओ लाओ इधर दे दो। रेडी है तू, चल रही क्या मेरे मकान पे? मैं नीचे आ गई। मम्मी जल्दी आना है, मेरे को जिम भी जाना है। बैठो, इसको रख दो। हाँ रख दो, खींचो ना, सही हर बार का है, ताकत लगा के खींचा करो। क्या भैया क्या हाल चाल? बस बढ़िया है, अपने सुनाइए। कहाँ तक पहुँचा? बस फाइनल पे पहुँच रहे हैं अभी। और क्वेश्चन करवाओगे? फाइनल हो गया ये सब चीजें, कौन साफ करेगा भैया, इतना गंदा हो रखा है। देखो ना, अरे इतना गंदा हाथ लगाएगा कि नहीं लगाएगा जो करता है साफ, फिर इसको करने में फिर से उड़ेगा। अभी एक बार वो अच्छा ये कर दे तो सारा एक बार मरवा दो कपड़ा, इसको क्वेश्चन क्या लगेगा उसको। तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाने के बाद मैं यहाँ पास वाला जो गोल्ड जिम है, जहाँ पे मुझे लगता है नॉटलस के हैं इक्विपमेंट्स, क्योंकि मैंने फोटोज देखी थी गूगल पे, वो ज्वाइन करूँगा। जो मेहनत होती है ना उसके सामने दुनिया झुक जाती है, जो मेहनत होती है ना, जो अपना खून पसीना बहा के एथलीट एक्सरसाइज करता है कम इक्विपमेंट या फिर खराब इक्विपमेंट के साथ भी, उसके सामने दुनिया झुक जाती है। इंडिया में भी बहुत ऐसे ऐसे एथलीट्स हैं जो एकदम बेयर मिनिमम रिसोर्सेज में बहुत रिफाइंड फिजिक लेके बैठे हैं, तो हमको उन लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए और उनको देखते हुए कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहिए और हार्डवर्क हमेशा अपने सामने रखना चाहिए और मेहनत लगातार करते रहना चाहिए। कम वॉट में ये मेरा जो पेज है योर फिटनेस स्टोरीज, ये फिटनेस की ही कहानियाँ बताएगा। जैसे ही आप मेरा पेज खोलते हो, इस पेज में ऊपर लिखा है लाइफस्टाइल, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियोस में मिलेगी। जैसा मेरा पेज है शुरू से रहा है, जैसी थीम है वही रहेगा। फिटनेस का एकदम टॉप नॉच कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एंटरटेनमेंट एकदम टॉप नॉच मिलेगा शॉर्ट में, शॉर्ट जो यूट्यूब शॉर्ट है उसमें, लाइफस्टाइल भी आपको एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगी,
मेरे लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही हैं पर्सनल लेवल पे भी वो सारी चीज़ें, क्योंकि आप भी फैमिली हो, आपको देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ को ख़त्म करते हैं यहाँ पे और चलते हैं जिम, क्योंकि काफ़ी बातें हो रही हैं सुबह से। पैक बना मनन फटाफट, पैक बना ब्रो जल्दी। यस, हिला उसको। अबे ओए पागल हो गया क्या, मार पैक बनाना भाई, जहर नहीं बनाना है साले। वर्कआउट भी छोटा होने वाला है, आज संडे है, जल्दी बन तो जाएगा जिम। और ये अक्षय ने लेट करा दिया। मस्त तो जूस वाले भैया के पास जूस पिया बैठ के आराम से। मैंने क्या बोला था, पांच छह बातें करी उसके बाद आया। और भाई आपके पास अगर दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि एकदम एंड रेंज ऑफ मोशन के साथ आपको रेप्स को एग्जीक्यूट करना है, या फिर कम रेंज में आपको हैवी वेट मारना है, तो आप कौन से ऑप्शन पे जाओगे, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी? इसका जवाब मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। हाँ, मैं भूल जाता हूँ कि अभी वेट और इंक्रीज करना है, तो इसके 20 रेप मार दूं। मैंने कहा तू 12 पे रख और अगले 15 मिनट एकदम गुस्से में, अगले 15 मिनट 12 पे करेगा। मतलब 12 पे रखना है क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू कितने पे रखता है? कितना? मैं 25 पे रखता हूँ। ए सुमित 25 पे कर ले ब्रो, करेगा ना अच्छे से? 25 पे कर ले। आप लाइट करेंगे, बीस की निकाल, उधर लगाना है। अबे फटाक से निकालना, ढीला ढीला काम। ये चल 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 जल्दी, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। मुझे क्या लगा कि बहुत टाइम लगता है निकाल के हट लगाने में, इसलिए मैंने बोला हैंडल ले ले। कूली नंबर वन, मैं कूली। वर्कआउट इज डन, सारा कैफीन जो था माथे पे चढ़ा हुआ बाहर आ चुका है। अब हम घर जा रहे हैं, अब हम चीजें खाएंगे, चावल और अंडे। तेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई बंदा कैसे एंजॉय कर सकता है चावल और अंडे रोज? पूछो मुझसे, पूछो। उसमें घी डाल लो, वो सीक्रेट रेसिपी है। छोले भटूरे बने तेरे यहाँ? ऐसे बोले तो बोलता मेहनत भी करिए। अक्षय बोलता भाई अपनी गाड़ी है भाई, मैं तो इको स्पोर्ट ढूंढ रहा था। पहली बार है ना मालिक, पहली बार है। अबे यार तू कैसे रखता है यहाँ, क्यों रख रहा है सब? तू तो अच्छा यहाँ सेट कर रहा है। अच्छा 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 चल ठीक है ठीक है। सॉरी 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 ब्रो, चिड़चिड़ा मत हुआ कर यार, स्नीकर्स खा ले, चिड़चिड़ा मत हो।
हे राम भाई, सुमित खुद का ध्यान रखा कर क्या है ये भाई? अब धूल मिट्टी से हुआ है। अब ऐसे लोग बार बार दिन में बुला बुला के बैटरी बुलवाएंगे, मेमोरी कार्ड बुलवाएंगे, तो वो तो हो गई है सब भाई। तो कार ले जा भाई, सुन मेरी बात। ये क्या है, बहुत अच्छा टाइम पे नहीं आओ तो साला सुनो, और आके वापस उधर इनके काम कर। हल्के मोटे टाइम में ना हाथ धोया कर। ये भाई पूरा गोविंदा जैसा लगता है। मैं तेरा हीरो नंबर वन। नाचियो। मैं तेरा हीरो नंबर वन। मनन भाई इतना स्वीट बच्चा है, इतने प्यार से देखता है भाई, क्या बताऊं, इतने प्यार। बैठ जा भाई, अपनी है, बैठ जा फटाफट आ जा। मस्त है यार, बैठ जा। अबे बैठ जा भाई, अपनी है, तेरे भाई की है, बैठ। तुम सबके भाई की है भाई, बैठो। जीएलई से ऊंची है क्योंकि भोपाल में मेरी बगल में जीएलई खड़ी थी, मैं हाइटेड था। अब यार ऐसे आसपास हो तो नोटिस करें यार। अबे मेरी बात मान पहलवान। उसको देख तो सही भाई, मुझे चांद पे ले चलो। क्या फीलिंग है यार, फीलिंग है। क्या जोक क्या मारा सुमित ने? अरे जोक क्या मारा? चलो बारिश में निकल रहा हूँ, आ जा रहा हूँ घर। निकलना मत बताता भाई। सुमित चल भाई, बाइक से आया क्या? अबे तो देखो छोड़ देता हूँ भाई, बीमार हो जाएगा उसको तो बेवकूफ को। चल भाई। भाई ये कब से सो रही है यार? हैं? क्या? कब से सो रही है? अभी हुआ होगा आधा घंटा। देखिए आप। नहीं अच्छा है। अरे बहुत बढ़िया, एक बच्चा है मतलब? एक आम बच्चा, बहुत पक्का है। तेरे को एकदम पीस चाहिए, एकदम स्क्वायर में। ये मेरी मील नंबर वो है, क्या कहते हैं, चौथी। अच्छी चीजें खिलाओ इन लोगों को, बोलता एंटीऑक्सीडेंट होते हैं फ्रूट्स में, और आप ही मेरे को उल्टा सीधा सड़ेला आम खिला रही हो। अरे सड़ा नहीं है, उसके पीस नहीं कटेंगे, रस। अच्छा अच्छा ठीक। बाहर मत आना। मैंने अभी बीच कुछ देर पहले या फिर सुबह या फिर कल मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने ये बताया था कि हाँ आपकी बॉडी का अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है, आप भी मेरी तरह अगर एथलीट हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ऑब्वियसली निकलेगा ही निकलेगा। तो उस केस में हाइड्रेटेड रहो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि अगर पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो वज़न रफ्तार से गिरेगा, और वज़न रफ्तार से गिरेगा तो आपका मसल लॉस हो सकता है। इस केस में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्रिएटिन भी डालो अपने डाइट में। इसमें अभी मैंने एक स्कूप के आसपास ये क्रीएम्प क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ऐड किया हुआ है, ठीक है? अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज़ फ़ायदा इसका ये होगा कि मेरे जो एटीपी वाली बात तो आपको पता है, उसके साथ ही साथ ये मेरे मसल्स में वाटर को पुश करेगा, ठीक है? इससे क्या होगा, मेरा मसल लॉस नहीं होगा, चाहे मैं कितना भी लंबा वर्कआउट करूं, चाहे मेरा कितना भी ज़्यादा इंड्योरेंस वर्क रहे, चाहे कितना भी मैं हैवी लिफ्ट करूं, पसीना निकलेगा, सब कुछ निकलेगा, लेकिन हम उसका ध्यान भी तो दे रहे हैं बाय ईटिंग गुड थिंग्स, बाय ईटिंग फ्रूट्स, बाय ईटिंग क्रिएटिन, और समय पर नींद लेके, सारे सप्लीमेंट्स टॉप नॉच रख के। यही सारी बातें मैं अपने क्लाइंट्स को भी सिखाता हूं, और आप लोगों को मैं फ्री में बता रहा हूं। तो बस इसको पीते हैं, आम को खाते हैं, और उसके बाद चलते हैं अपने छोटे मोटे काम निपटाने। वो काम यही है, क्या अंडे ख़त्म हो गए हैं वो लाने, फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं वो लाने। ये थी हमारी लास्ट मील, इसके बाद हम मूवी जा रहे हैं। घर जाने का चांस नहीं था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इधर, हम लोग बहुत दूर थे। मूवी जा रहे हैं कोई सी हॉरर, अक्षरजीत कर रहा था तो जाना पड़ रहा है। भाई मत किया कर यार, हॉरर मूवी देखने का मूड नहीं होता मेरा, ठीक है? मैं कर रहा, चलो ठीक है। पपीता काट देना, आम काट देना, केला रहने दो। चलो केला दो ही काट के।
ठीक है, नमक नमक मत डालना, ठीक है? हाँ मूवी देख के आऊंगा, मैंने अंडे खा लिए। ओके बाय बाय बाय। सुमित ने भी खा लिए, बाय बाय। गाइज ये देख रहे हो आप, ये मौका है, कैफे एंड बार लिखा हुआ है, ठीक है? एक समय था जब मैं यहाँ पे ना बैठा रहता था, और यहाँ पे मैं हर शनिवार रविवार यहीं बैठा रहता था, और यहाँ इतनी दारू पीता था, इतनी दारू पीता था, और आज उसी के बगल से अंडे खा रहा हूँ मैं, अपनी मील पूरी कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो दारू है ना, इसको एकदम से छोड़ दिया मैंने, एकदम से। और उससे मुझे पर्सनल लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस दिखे हैं। मेरे को स्ट्रेस नहीं होता, मेरे को पहले बहुत एंजाइटी होती थी, वो नहीं होती है। मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ बिगड़ी रहती थी, वो नहीं होती है। मैंने पूरी तरीके से छोड़ दिया, और आज वो समय मैं अंडे यहाँ पे भी जाके खा सकता था, रेस्टोरेंट यहाँ पे भी बहुत बढ़िया बना के देते, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बना। मेरे को ऐसी जगह से जाने से ही नफरत हो गई है, ऐसी जगह मैं जाना ही पसंद नहीं करता हूँ। बगल में ठेला भैया को मैंने बोला, भैया मेरे को हाफ फ्राई बना दो, 3 whole एग का, बाकी 4 एग वाइट्स का, उन्होंने बना के दे दिया। उसके साथ मैंने एकदम ग्रिल्ड पाव खाया एक, ठीक है? अभी मूवी के लिए हम जा रहे थे सीधे, तो मैंने, मेरे को भूख लगी तो मैंने ये खा लिया। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट जो आप चुनते हो, चॉइस, ठीक है? आपके पास मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपके हाथ में है कि आपको उसमें से हेल्दी चीज़ें उठानी है या फिर अनहेल्दी चीज़ें उठानी है। आपके सामने सारे के सारे ऑप्शंस रहते हैं, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी आप कुछ कर रहे हो, या आपके हाथ में, आपकी सेहत आपके हाथ में, ठीक है? तो बस एक छोटा सा मैसेज देने के साथ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, इस व्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ। आपसे मिलता हूँ कल, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।